हरियाणा के भिवानी में भी पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है, जिसके साथ ही पेट्रोल की कीमतों ने शतक लगा दिया। आपको बता दें कि भिवानी में भी उन जिलों में शामिल हो चुका है जहां पर पेट्रोल की कीमत 100 के पार कर दी गई है। भिवानी जिले में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 1.52 पैसे पर पहुंच गई, जो नॉर्मल पेट्रोल शतक से मात्र 3 रुपए की दूरी पर आ गया है, तो डीजल 9 की दूरी पर आ पहुंचा। बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से लगे लॉकडाउन से लोगों की आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब थी, वहीं दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें लोगों को और परेशान कर रही है। महंगाई केवल डीजल पेट्रोल पर ही नहीं बल्कि गैस सिलेंडर की कीमतें भी आसमान छू रही है। सरकार ने 2 दिन पहले ही गैस सिलेंडर के दामों में 26 रुपए की बढ़ोतरी की थी, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इन बढ़ती कीमतों को लेकर लोग सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, महंगाई को कम करने की तर्ज कस रहे हैं। क्या नाम है सर? अजय कुमार। महंगाई आज पेट्रोल 100 पार हो गया भाई साहब। महंगाई ने बहुत ही हद पार कर रखी है, सब्जी में, तेल में, गैस सिलेंडर में महंगाई हो गई बहुत ज्यादा, और आमदनी है नहीं, आमदनी घटती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। इस सरकार को इस बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए भाई, गरीब आदमी अपना काम पेट पाले या पेट्रोल चलाए या क्या करे। सिलेंडर हो वो भी महंगा कर दिया, आटा दाल है वे भी महंगी हो गई, सारी चीज़ों में महंगाई है और कमाई का तो कोई साधन ही नहीं है। सारी तरफ से पब्लिक परेशान है। हमारी सरकार से ये गुजारिश है, हाथ जोड़ कर इस महंगाई पर लगाम लगाए। धन्यवाद। क्या नाम है? अनिल कुमार है जी। महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहिए? महंगाई जब से ये मोदी सरकार आई है जी, जनता बहुत परेशान है। बिजली के बिल है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस पे जो सब्सिडी आती थी वो ख़त्म कर दी सर। 850 रुपये का सिलेंडर हो गया। अब देखो कैसे गुजारा होगा घर परिवार का। पेट्रोल ने 100 रुपये पार कर लिए। हाँ, पेट्रोल ने 100 रुपये पार कर लिए। सब ये गवर्नमेंट की वो है जी। पहले भी तो तेल था, गाड़ियाँ थी, साधन थे, ठीक है, इतनी तेज महंगाई नहीं थी। अब सब्जी ले लो आप, जो भी है बहुत महंगा हो रहा है। अब घर खर्च चलाना बहुत मुश्किल हुआ है। क्या मांगते हैं? मांग यही करते हैं जी, थोड़ा सा कंट्रोल आ जाए तो बहुत अच्छा होगा जी। बस यही चाहते हैं मोदी सरकार से, पेट्रोल, डीजल और गैस, इनमें रेट ठीक हो जाए। रेट जो अफसर है बीच के वो करते हैं ज़्यादा कपड़ा, ठीक है जी। मैं तो यही चाहता हूँ मोदी सरकार से जायज जनता के हक में फैसले होने चाहिए, देश के लिए। तो विनोद कुमार जी, क्या समस्या है? जी क्या दिक्कत है? डीजल के दाम रोज बढ़ाए जा रहे हैं, किराया बढ़ा पर हमने डीजल के दाम रोज बढ़ाए जा रहे हैं, क्या थोड़ा कम करेंगे या फिर हमारा किराया बढ़ाए जा रहे हैं? किस कैसे पारे जी, कैसे क्या खर्चा चल रहा है बताओ, क्या है? बहुत किल्लत है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।